इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, इंदर सिंह परमार जी। स्वागत है इंदर सिंह जी आपका। इंदर सिंह जी, पहला सवाल, आपने तय किया है कि 12वीं की जो परीक्षा है उसे रद्द कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि बहुत टेंशन में थे, लेकिन अब ये बताइए कि असेसमेंट कैसे होगा, क्योंकि हर कोई अगला सवाल यही पूछेगा, हमारे नंबर कैसे आएंगे। 12वीं की परीक्षा हमने रद्द करने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज की परिस्थिति में इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता है। भारत सरकार ने भी जो कल निर्णय किया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। जहाँ तक रहा बच्चों के असेसमेंट करने का सवाल, हम पूरा विभाग आज से ही उस पर लग चुके हैं। प्रारंभ की स्थिति में हम 10वीं और 11वीं के जो गए साल उनको अंक प्राप्त हुए थे उनका आकलन करते हुए, प्लस 12वीं के जो वर्ष भर की जो कुछ पढ़ाई की है उनका भी साथ में असेसमेंट करते हुए और रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। व्यापक पूरी तैयारियां एक दो दिन में हम सब छात्रों के बीच में पहुंचाने वाले हैं। जी परमार जी, अब इसके बारे में चर्चाएं पहले से भी थी क्योंकि CBSE भी इस बारे में इसी तरह के एक मॉडल पर चर्चा कर रहा था, तो अभी तक लेकिन बच्चों के दिमाग में जो या फिर माता पिता के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है कि किस परसेंटेज के आधार पर तय होगा, यानी कि 10वीं के बोर्ड की परीक्षा का कितना वेटेज होगा, 12वीं की परीक्षा का क्या वेटेज होगा 11वीं की, और उसके बाद 12वीं की जो प्री बोर्ड है उसके क्या वेटेज होंगे, तो कुछ इस पर अभी निर्णय हुआ है या वक्त लगेगा। हेलो जी, मैं सवाल दोबारा दोहराता हूं आपके सामने। परमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ 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 जी। अभी तक इस बात को लेकर आ रही आवाज जी, इस अस्पष्टता इस बात को लेकर है कि वेटेज कैसे होगा, 10वीं के बोर्ड की परीक्षा का वेटेज कितना होगा, 11वीं की फाइनल एग्जाम का कितना वेटेज होगा और प्री बोर्ड 12th उसका कितना वेटेज होगा, कुछ इस पर अभी तय हुआ है फॉर्मूला या अभी ये फ्लूइड है, अभी आप तय नहीं कर पाए? नहीं, इसके बारे में फार्मूला तय हो रहा है, हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग के सभी लोग जो इसके एक्सपर्ट है वो तैयारी कर रहे हैं। हम कल तक इसका फार्मूला डिक्लेयर कर देंगे, उसका अलग से पूरी नीति पूरे सर्कुलर जारी करने वाले हैं। इसमें पूरी पारदर्शिता होगी ना परमार साहब, क्योंकि बच्चों को इस बात को लेकर बड़ा ये रहता है कि भाई हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए। पूरी पारदर्शिता होगी, छात्रों के साथ न्याय होगा और अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच में जो अनिश्चितता का माहौल था वो अनिश्चितता का माहौल भी समाप्त होगा। मध्य प्रदेश में परिणाम को लेकर के किसी भी प्रकार की किसी को शंका करने की मुझे लगता है कि कोई भी कभी ऐसे वो नहीं आएंगे जिसके कारण यहाँ कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो। जी शिक्षा मंत्री जी, अब ये भी जानना बड़ा आवश्यक है कि नतीजे जो हैं 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के, ये अमूमन कब तक आ पाएंगे, क्योंकि दूसरे शहरों के या फिर अलग अलग जाकर जैसे दिल्ली या किसी अलग अन्य शहर में विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मार्कशीट पहले आ जानी चाहिए, तो इसका भी कुछ आपने तय किया है, निर्धारण किया है कि कब तक आप रिजल्ट्स डिक्लेयर कर पाएंगे? बिल्कुल, हम पूरा टाइम टेबल बना रहे हैं क्योंकि कल ही भारत सरकार ने निर्णय किया, हम उसके भी पहले 3-4 दिन से इस विकल्प पर भी काम शुरू कर दिया था, पर भारत सरकार का कल डिक्लेयर हो गया, उसके बाद में हम उसी विकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं और हम एक निश्चित समय अवधि में मार्कशीट उपलब्ध करा देंगे ताकि बच्चों को अन्य जगह पर एडमिशन लेने में सुविधा हो जाए। जी शिक्षा मंत्री जी, अब इस कोरोना महामारी की वजह से हम ये तो समझ गए हैं कि बच्चों का जो इंटरनल असेसमेंट होता है, उन प्री बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि यही अब एक आधार बन सकते हैं भविष्य में भी इस तरह की दिक्कत अगर आती है तब। क्या अब कुछ आप सुधार करने जा रहे हैं शिक्षा प्रणाली में, क्या असेसमेंट के तरीके साल भर चलेंगे, क्या इस पर विचार हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो अपेक्षा की गई है निरंतर असेसमेंट करने की व्यवस्था, उस पर हम आगे काम करने वाले हैं। हमने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भी इसी प्रकार की तैयारी की है और इसी प्रकार से हम पढ़ाई के तरीके भी बदलने के हमको प्रयास करना होंगे।
ताकि ये संकट आज हम कह नहीं सकते कब तक रहने वाला है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई निरंतर चलती रहे हमारी प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्यक्ष स्कूल जहाँ नहीं लग पाएंगे उसका विकल्प क्या होगा, इस सब पर हमारा विभाग पूरी तैयारी कर रहा है और जल्दी हम पूरे साल भर का कैलेंडर हमारे विद्यार्थियों के पास पहुंचाने वाले हैं। और क्योंकि कोरोना के कारण जो अनिश्चितता बनी थी, उस अनिश्चितता के दौर को हम आगे समाप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। जी परमार जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि लगातार अब डिजिटल एजुकेशन बढ़ता चला जा रहा है राज्यों में, खास करके सुदूर इलाकों में जो बच्चे हैं उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षक भी पूरे तरीके से तैयार नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके डिजिटली। आप कोई ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं शिक्षकों के लिए और उसके साथ साथ डिजिटल पेनिट्रेशन के लिए कोई नई मुहिम शुरू करेंगे? निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी जो ट्राइबल और ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पर इंटरनेट की बड़ी समस्या है और इसीलिए हम पूरी व्यवस्था को केवल ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमने विचार किया है कि अब हम अभी पिछले साल हमने पूरे मध्य प्रदेश के एक निर्णय किए थे, अब हम पढ़ाई कैसे होगी, किस किस स्कूल में हम स्कूल खोल सकते हैं, उन सब का निर्णय करने का अधिकार हम जिले के कलेक्टर को देंगे, ताकि कलेक्टर अपने अपने जिले में की परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए कौन कौन से स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा मिल रही है वहाँ तो हम ऑनलाइन भी पढ़ाई करा लेंगे, लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर विद्यार्थियों के पास भी साधन नहीं है और इंटरनेट भी नहीं है, ऐसी जगहों पर जो हमको दिक्कत आई थी पिछले साल, उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार उसके विकल्प के रूप में भी सब प्रकार की तैयारी कर रही है। हम जल्दी ही उसको भी हम सबके सामने, छात्रों के सामने और सबके सामने डिक्लेयर करने वाले हैं। जी परमार जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार साझा किए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक दो दिन के अंदर ये भी तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के बोर्ड में एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे हैं उनके किस आधार पर तय किया जाएगा कि उनका आकलन कैसे किया जा रहा है। एक बात तो तय है कि जो फॉर्मूला अभी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के दिमाग में है वो स्पष्ट है, 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स, 11वीं के फाइनल एग्जाम और पूरे साल भर 12वीं में जो असेसमेंट है जिसका एक तरह से मुख्य बिंदु बन सकता है 12th का प्री बोर्ड एग्जाम, इसके आधार पर ही आकलन किया जाएगा। इसमें वेटेज अलग अलग हो सकता है, इसकी घोषणा बहुत जल्द मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हिंदुओं से पाकिस्तान की हेट स्टोरी, नियाजी का डेथ स्क्वाड, ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।